और अब बात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के राजस्थान दौरे की। तो अजय माकन राजस्थान के दौरे पर हैं, राहुल गांधी के प्रस्तावित राजस्थान दौरे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नागौर और हनुमानगढ़ का दौरा किया और साथ ही किसान रैली की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान अजय माकन का सूरतगढ़, पीलीबंगा, सरदार शहर, रतनगढ़ समेत कई क्षेत्रों में जोरदार भव्य स्वागत भी किया गया। इस दौरान सूरतगढ़ में जहां अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा ने जनसभा को संबोधित भी किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद अजय माकन और डोटासरा ने पीलीबंगा में सभा स्थल का जायजा लिया और इसी दौरान ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी उनके साथ मौजूद दिखे। बता दें कि राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। 12 फरवरी यानी कि कल राहुल गांधी पीलीबंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहीं 13 फरवरी को नागौर में ट्रैक्टर रैली में भी शामिल होंगे। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग यहां पर राजस्थान में, और जब पूरे देश का किसान उद्वेलित हो, पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा हो, जब भारत की सरकार किसानों को कुचल करके, किसानों का नुकसान करके अपने चंद मुट्ठी भर मित्र पूंजीपतियों का भला करना चाहती हो, तो विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी जब हुंकार बढ़ती है तो पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ मिलकर के खड़ा होकर के किसानों के लिए, उसकी अगुवाई के अंदर किसानों के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाता है। और वही कल राजस्थान में होगा। जब तक शरीर में एक बूंद का कतरा भी होगा तब तक कांग्रेस और राहुल गांधी और किसान का चोली दामन का जो साथ है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए हम सब मिलकर के मोदी जी को ये बता देंगे कि मोदी जी आपने अब की बात गलत जगह हाथ डाल लिया। वो क्या था, ये वो बिल था तो किसी ने कह दिया कि यार इसका कांटा निकालना है। बोले भाई बिल किसका है, बोले कोई बिच्छू सिच्छू है, और बिच्छू सिच्छू के चक्कर में बिल में हाथ दिया और काले नाग ने टस लिया। तो ये अन्नदाता के बिल में हाथ डाला है मोदी जी ने, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब जाने के दिन आ गए, अन्नदाता पीछे नहीं हटने वाला, मोदी को जाना पड़ेगा।